जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। असंतोष, असफलता, क्षोभ, आघात और सफलता, संतोष, उल्लास आदि जीवन के उज्जवल और अंधकारमय पहलू दिन रात की तरह सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम विकृत चिंतन, रोग शोक का मूल कारण। पुस्तक परिचय। संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, परिस्थितियां अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी। इन दोनों में ही संतुलन एवं सामंजस्य बिठाकर चलने वाले व्यक्ति जीवन में सफल रहते हैं तथा इस विश्व वसुंधरा का वास्तविक आनंद उठाते हैं। कठिनाई सामंजस्य के अभाव में पड़ती है। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे व्यक्तियों और गई गुजरी परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्नचित रहा जा सकता है। भली बुरी परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रस्तुत होती है, उनका सामना करना पड़ता है। मनुष्य के मानसिक संतुलन, धैर्य एवं दूरदर्शिता की परख प्रतिकूल अवसरों पर ही होती है। बेसब्री एवं व्यग्रता के कारण प्रस्तुत समस्या का जो हल थोड़ी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता के आधार पर निकाला जा सकता था, वह भी असंभव हो जाता है। पुस्तक से जुड़े कुछ प्रश्न। समस्त विग्रहों की जड़ क्या है? समस्त दुखों का कारण क्या है? भोगवादी चिंतन शैली को कैसे बदले? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो व्यक्ति की चेतना को संपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने में सहायक है। उसमें सिद्धांतों, विचारों की समझ पैदा कर सही दृष्टिकोण देती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में पशु वृत्तियों का प्राधान्य भी बना ही रहेगा। पुस्तक के कुछ अंश। असंतोष मानसिक दरिद्रता का चिन्ह है। यह एक ऐसा मानसिक संताप है जो मनुष्य को निरंतर गीली लकड़ी की तरह कष्ट के साथ जलाया करता है। इसकी उत्पत्ति अभाव की भावना से होती है। असंतुष्ट व्यक्ति से प्रसन्नता दूर चली जाती है तथा खिन्न रहना उसका स्वभाव बन जाता है। अहंकार सदा दूसरों को मापदंड बनाकर चलता है। दूसरों से तुलना कर अपने को श्रेष्ठ करने की प्रवृत्ति का नाम ही अहंकार है। जो लोग अपनी उपलब्धियों को दूसरों से बढ़ चढ़कर बताते हैं, तो उनमें अहंकार की भावना काम करती है। नैतिक और मानवीय मूल्यों से ऐसे व्यक्ति कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों से प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी जिंदगी जीता है, महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कितना सार्थक और सोदेश्य है। हंसती हंसाती, खिलती खिलखिलाती, हल्की फुल्की जिंदगी जी सकना हर किसी के लिए संभव हो सकता है, यदि अपने चित्त क्षेत्र का दूरदर्शिता के आधार पर पुनः निर्माण करने के लिए अभिनव साहस जुटाना संभव हो सके। जो मिला है उसी पर हर्ष मनाया जाए, संतोष किया जाए और गर्व किया जाए। जो उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करने की योजना बनाई जाए, साथ ही अधिक पाने के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास किया जाए। अध्यात्म से धन नहीं, मानसिक वर्चस्व, आत्मशांति, आत्मसंतोष और वास्तविक आनंद मिलता है, जो धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मूलतः मनुष्य अपराधी, अविश्वासी, असहयोगी और असंवेदनशील नहीं होता। इसके विपरीत मनुष्य के स्वभाव में संवेदना, सहकारिता तथा सादृश्यता कूट कूट कर भरी होती है। पुस्तक के कुछ बिंदु। आकांक्षाओं को विकृत न होने दे। अपने मनोबल को बढ़ाए गिराए नहीं।
मस्तिष्क को स्वच्छंद न फिरने दें। भोगवादी चिंतन शैली को पलटना होगा। दूरदर्शिता का पल्ला कभी न छोड़े। अपनी सहजता कभी न गवाए। छोटी बातों की भी उपेक्षा न की जाए।